गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। देखें, एबीसी लिमिटेड टुक ओवर अ रनिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013। द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त 2013। द फॉलोइंग समराइज प्रॉफिट एंड लॉस हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर 31 मार्च 2014। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, सैलरी, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, एडवर्टीजमेंट, मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्टर फीस, बैड डेट्स, कमीशन, टैक्स ऑडिट फीस, डिवेंचर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, द टोटल सेल एडजस्टमेंट पे टोटल सेल फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज 19,20,000 arose evenly up to 30th September 2013. Thereafter, they expected to record an increase of 2/3 during the rest of the year. Okay. Rent of office building was paid 2000 per month up to 30th September. इसके बाद ये increase होके 400 रुपए per month हो गया। ठीक है। Traveling expenses में हमारे sales promotion include हैं। ठीक है। डेप्रीसिएशन 600 है जो पोस्ट पीरियड का है। परचेज कंसीडरेशन हमने 30th सितंबर को पे किए बाय इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। ओके, ठीक। यानी कि जब हम परचेज कंसीडरेशन पे कर रहे हैं तो जो भी इंटरेस्ट है वो 30th सितंबर तक के पीरियड का है। ओके, सो लेट्स डू समथिंग। पहले इसके वर्किंग नोट्स बनाते हैं, उसके बाद हम इसको क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो वर्किंग नोट है वो होता है हमारा टाइम रेशियो। टाइम ग्राफ बना लें, 1 अप्रैल 13 है, 14 है, 13 है। 1 अप्रैल 13 से 31 मार्च 14 तक का पीरियड है, जिसमें जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया वो आया 1 अगस्त 13 को। यानी कि ये पीरियड हमारा 4 मंथ है और ये पीरियड हमारा 8 मंथ है प्री। तो जो हमारा टाइम रेशियो आया वो हो गया 1:2। अब हम बात करते हैं सेल रेशियो की, क्योंकि मोस्टली दोनों जो खर्चे हैं वो इन दोनों रेशियो पे डिपेंड करते हैं। सेल रेशियो के लिए थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअली काम करना पड़ेगा। ये 1 अप्रैल 13 है और ये 31 मार्च 14 है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये हमारा है 1 अगस्त 13 को। सेल में जो चेंज आए हैं वो ये 30th सितंबर 13 के बाद से चेंज आए। इनका कहना था कि जो पहले जो सेल थी अगर पहले मंथली एवरेज सेल एक्स थी इस पीरियड में तो यहाँ पर एक्स प्लस 2/3 यानी कि 5/3 एक्स हो गई थी। समझ गया? जो पहले 6 महीने में जो सेल है वो बाद के 6 महीने में की सेल में 2+ उसका इंक्रीज हो गया था। अब अगर मैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से बात करूं तो ये होते हैं 4 मंथ, ये होते हैं 2 मंथ और ये होते हैं 6 मंथ। तो इस पीरियड की जो सेल होगी वो होगी 4x, इस पीरियड की सेल होगी वो 2x होगी और इस पीरियड की सेल होगी 5/3
इंटू सिक्स दैट इज 10x। ठीक है, तो पोस्ट के जो पीरियड की सेल है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की सेल जो हुई वो 12x हो गई और प्री के जो सेल हुई वो 4x हो गई। तो सेल रेशियो जो हमारा बना 4:12 या 1:3। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। रेंट के बारे में दिया है उसको पढ़ लेते हैं। रेंट में भी यही इन्होंने किया है, दो पीरियड हैं, एक तो सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन है और एक 30th September 2013 है। तो यहाँ पर जो मंथली सेल मंथली रेंट था यहाँ पर 2000 रुपया था, जो यहाँ से हो गया 2400 रुपये। ठीक है जी, फिर वही हम करेंगे कि इस पीरियड का जो है ये 1 अगस्त 2013 है, तो जो पीरियड है ये 4 मंथ है, ये 2 मंथ है और ये 6 मंथ है। तो यहाँ ये 8000, ये 4000 और ये 14400, ये पोस्ट का रेंट हो गया और ये प्री का रेंट हो गया। ठीक है जी, यानी कि पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जो रेंट है वो हमारा 18400 हो गया और प्री का है 8000। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में लिखा है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में 4800 रुपीज इंक्लूड हैं जो सेल्स प्रमोशन के हैं। तो अगर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में सेल्स प्रमोशन इन्होंने अलग कर दिया है तो इसका मतलब है बाकी के फिर टाइम रेशियो पे कटेंगे। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस तीसरे नंबर पे दिए हैं 16800, इसमें से सेल्स प्रमोशन के जो खर्चे हैं ये बढ़ जाएंगे हमारे सेल रेशियो में, जो बाकी के बचेंगे ये फिर हम टाइम रेशियो में बांटेंगे। ठीक है जी, और क्या है डेप्रिसिएशन, वो बाहर के पीरियड का है। ठीक है जी, अब एक पांचवा पॉइंट है इंटरेस्ट टू वेंडर, ये हमारा है 4200। पेमेंट सेटल हुई है वेंडर को ऑन 30th September 2013। ठीक है, यानी कि अब 1 अप्रैल 2013, 30th September 2013, 1 अगस्त 2013, तो प्री का पीरियड हमारा 4 मंथ हो गया और पोस्ट का पीरियड 2 मंथ हो गया। तो इंटरेस्ट टू वेंडर जो बटेगा वो 4:2 और 2:1 में बटेगा, सही है, क्योंकि जब 30th September को पेमेंट हो गई तो बाद के पीरियड का तो इंटरेस्ट ही नहीं है ना। ये मोस्टली सारी वर्किंग कर ली है, अब इनके बेसिस पर हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जो प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की वर्किंग को बताएगा। ठीक है जी,
लिखेंगे हम स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट प्री एंड यहाँ हम बेसिस लिखते हैं, यहाँ प्री और ये पोस्ट। सबसे ऊपर लिखा है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा हमारा सेल्स के रेशियो में। अब हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे, एक्सपेंसेस देखें, सैलरीज स्टेशनरी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, सैलरीज स्टेशनरीज ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग में एक है सेल्स प्रमोशन और एक है अदर। तो सैलरीज हमारा टाइम टाइम सेल्स टाइम, ठीक है जी। इसके बाद है एडवर्टीजमेंट मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट सेल्स के बेसिस पर मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस, ये हमारा टाइम पे बटेगा। फिर है रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, रेंट का हमने एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाया है, इलेक्ट्रिसिटी के हमारे टाइम रेशियो में बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर है डायरेक्टर फीस बैड डेट्स, डायरेक्टर की फीस अगर कोई है तो वो पोस्ट में जाएगी, बैड डेट्स हैं तो वो सेल रेशियो में बढ़ जाएंगे, कमीशन ऑन सेलिंग एजेंट को हम अगर देंगे तो सेल रेशियो पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद है टैक्स ऑडिट फीस, डिवेंचर इंटरेस्ट, टैक्स ऑडिट फीस अगर स्पेशली लिख दिया है तो वो सेल पर जाएगी, डिवेंचर इंटरेस्ट ये हमारा एक्सक्लूसिवली पोस्ट पे जाएगा, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट टू वेंडर का एक हमने वर्किंग नोट बनाया था जिसमें हमारा रेशियो 2:1 आया था। सेलिंग एक्सपेंसेस सेल्स पर ही हमारे डिपेंडेंट है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ये हमारा टाइम के रेशियो में बढ़ जाएगा। अब आप समझिए, एक एक करके हम लोग करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट सेल रेशियो हमारा है 1:3, तो इसका मतलब है 3,20,000 को 80,240, और टाइम रेशियो है हमारा 1:2, तो सैलरी कितनी है हमारी 48,000, 16, 32, स्टेशनरी 4800, तो ये 1600, 3200, जो सेल्स पे डिपेंडेंट है वो 1:3 में, और जो टाइम पे डिपेंडेंट है वो 1:2 में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में
4800 हैं, तो ये 1200, 3600, जो बाकी के ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हैं वो 4000-8000। फिर अब एडवर्टीजमेंट की बात करें, एडवर्टीजमेंट है 16000, तो 16000 बटेगी हमारी 4000-12000। मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस हैं 1:2 में, तो मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस हमारे जाएंगे 37200 हैं, 37800, ये बटेंगे हमारे 12 25200। रेंट का हमने वर्किंग नोट बना दिया था, रेंट में पोर्शन हमारा प्री का है 8000 और पोस्ट का है 18400। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारे टाइम रेशियो में बढ़ जाएंगे 1400-2800। डायरेक्टर की जो फीस है 11200 वो एक्सक्लूसिवली पोस्ट पे जाएगी। ये हमारे सेल रेशियो बढ़ जाएंगे। फिर कमीशन 16000 है, तो ये भी हमारा सेल रेशियो में बटेगा। फिर 6000 हमारी टैक्स ऑडिट फीस है, तो ये सेल रेशियो में। डिवेंचर इंटरेस्ट जो हमारा है 3000, वो एक्सक्लूसिवली पोस्ट में जाएगा। ₹4200 हमारे वेंडर के इंटरेस्ट 2:1 रेशियो में जाएंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस 25200 हैं, तो ये हमारे सेल रेशियो में बटेंगे 6300 18900। और लास्ट आइटम है हमारा फिक्स्ड एसेट एप्रिसिएशन, तो 3264600, ये प्रॉफिट आएगा 12800-74800। ये ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ गया होगा आपको। थैंक यू।